प्रियंका चोपड़ा अक्सर अपनी ज़िंदगी को लेकर के खुलकर बात करती आई हैं। हाल ही में दिए गए एक पॉडकास्ट को इंटरव्यू में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स पर बहुत खास बातें कहीं। उन्होंने बताया कि वो किन किन रिश्तों से गुजरी, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उनके रिश्ते जब ख़त्म हुए तो बहुत ही ख़राब लेवल पर ख़त्म हुए। उनका ब्रेकअप बहुत ही ख़राब तरीके से हुआ, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने रिश्ते में कभी अपने किसी साथी की बुराई नहीं की। उन्होंने कहा कि जिन तमाम लोगों को उन्होंने डेट किया यानी उनके साथ रिश्ते में रही, वे सभी बहुत बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने कहा कि सभी लोग बहुत अच्छे थे जो भी उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन मेरे ब्रेकअप बहुत ख़राब लेवल पर हुए, बहुत ख़राब हालात थे जब मेरे रिश्ते टूटे। साथ ही प्रियंका चोपड़ा ने ये भी कहा कि मैं ये मानती हूँ कि अगर अब भी मैं उन रिश्तों में होती तो मैं डोरमैट बन चुकी होती। प्रियंका का ये कहना बताता है कि उन्होंने जो भी फैसले लिए रिश्तों को लेकर, वो पूरी तरह से मानती हैं कि उन्होंने बहुत ही मैच्योर तरीके से रिश्ते में आगे बढ़ने की सोची, लेकिन उन्होंने एक बात और स्वीकारी कि वो बहुत तेज़ी से रिश्तों में पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं एक रिश्ते के तुरंत बाद दूसरे रिश्ते में पड़ी, मैंने कोई वक्त नहीं दिया, जो शायद सही नहीं था। इसलिए निक जोनास को लेकर उन्होंने कहा कि निक के मामले में मैंने एक रिश्ता खत्म होने के बाद 2 साल का समय लिया और तब जाकर निक को डेट करना शुरू किया, जो अब उनके पति हैं और उनकी बेटी के पिता हैं।